और चलिए अब बात पानी के तेजाब बनने की खबर से। साउथ के दो स्टेट्स कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी का पानी तेजाब बन गया है। कावेरी का पानी कैसे और क्यों तेजाब बना है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस हिंसा की सबसे बड़ी तस्वीर भी देखिए। तस्वीर बीती रात की है। तो तस्वीरें बेंगलुरु के पास केपीएन बस डिपो से सामने आई है। यहां प्रदर्शनकारियों ने 56 बसों को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते डिपो राख हो गया, 56 बसें स्वाहा हो गई। करोड़ों की ये बसें देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कावेरी का पानी कैसे तेजाब बन गया है। पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में लगातार विवाद बना हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कावेरी में अब उतना पानी उस तरीके से नहीं है, बारिश कम हुई है। अमूमन जिस तरीके की बारिश पहले होती थी वो अब नहीं है, इसलिए उतना पानी नहीं दिया जा सकता है जितना कहा जा रहा है। और इसी बात को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद से ही हंगामा शुरू हुआ। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला बदला भी है, जिसमें 12,000 क्यूसेक लीटर पानी दिए जाने की बात सामने आई है। आज हालांकि किसी बड़ी हिंसा की खबर नहीं है, लेकिन कल की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। शहर शहर पानी की आग में जल रहे हैं। बीते हफ्ते भर से हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। लोकतंत्र और कानून का राज दोनों ठेंगे पर है, पॉलिटिक्स चरम पर है और सड़क पर आम आदमी लाचार है। बेंगलुरु से लेकर चेन्नई तक हिंसा और आगजनी का दौर चल रहा है। कई जगह आगजनी और हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। कल की हिंसा के बाद से माहौल खराब है। पुलिस ने 200 लोगों को हिरासत में लिया है और इसी हिंसा में कल कर्नाटक में पुलिस की गोलीबारी में एक शख्स की मौत भी हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया था। तो अगर आज की बात हम करें तो बेंगलुरु में बिगड़े हालात के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। देर रात 16 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात संभालने के लिए 15,000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। हालांकि ईद उल जुहा के मद्देनजर मस्जिदों और ईदगाहों में धारा 144 लागू नहीं है। बेंगलुरु में स्कूलों को बंद रखा गया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने जयललिता को चिट्ठी लिखकर कन्नड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। केंद्र ने कर्नाटक और तमिलनाडु को हर मुमकिन सुरक्षा देने की बात कही है। तो अगर आज की हम बात करें तो आज बेंगलुरु में शांति फिलहाल नजर आ रही है। सात थानों के अंदर में 144 धारा लागू की गई थी, वहां पे कर्फ्यू इम्पोज करने के लिए आदेश दिया गया और ये कर्फ्यू तब तक चलेगा जब तक नेक्स्ट आदेश तक ही चलता रहेगा। पूरे सिचुएशन कंट्रोल में लाने के लिए करीब 20 पैरामिलिट्री फोर्सेज पैरामिलिट्री कंपनी आ रही हैं। सिचुएशन टेंस है लेकिन कंट्रोल में है, लेकिन प्रिकॉशन के लिए फोर्स को डिप्लॉय करना बहुत जरूरी है। तो कावेरी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में चल रहे विवाद के बीच नेताओं ने शांति की अपील की है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जो विषय चल रहे विवाद, विवाद में आम जनता का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए तमिलनाडु वाले कर्नाटक में रह रहे, कर्नाटक वाले तमिलनाडु में रह रहे और वहां का स्टेट का विकास के लिए पूरा योगदान कर रहे लोग, तो इसलिए उसको ध्यान में रख के राष्ट्रीय एकता और साथ ही साथ हमारा पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध और जनहित में दोनों स्टेट्स भी ठीक कदम उठाना चाहिए और लोग भी उसमें मदद करना चाहिए। से प्रैक्टिकली एट द वेरी आउटसेट आई रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ कर्नाटका टू बी वेरी काम, वी शुड मेंटेन द पीसफुल सिचुएशन अक्रॉस कर्नाटका। वहीं पानी का ये पचड़ा तमिल बनाम कन्नड़ का मामला भी बन गया है। कर्नाटक में तमिल लोगों के बिजनेस पर हमला किया गया तो तमिलनाडु में कन्नड़ लोगों पर, बेंगलुरु में एक मॉल पर हमला किया गया तो चेन्नई में कर्नाटक के एक कारोबारी के होटल पर पथराव और तोड़फोड़ की गई। वहीं एक दूसरे राज्यों के लोगों की पिटाई की तस्वीरें भी सामने आई हैं।
एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम दोनों राज्यों के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। पानी का मसला बातचीत से हल हो सकता है, हिंसा से नहीं। अब जरा पानी जमा करने का गणित भी देख लीजिए। कर्नाटक 462 टीएमसी फिट पानी कावेरी में डालता है और उसमें से उसे 270 टीएमसी फिट पानी इस्तेमाल करने की इजाजत है। तमिलनाडु 227 टीएमसी फिट पानी डालता है और 419 टीएमसी फिट पानी पाता है। केरल 51 टीएमसी फिट पानी डालता है लेकिन उसे 30 टीएमसी फिट पानी ही इस्तेमाल करने को मिलता है। इसी हिसाब को लेकर कर्नाटक ऐतराज जताता रहा है और बरसात के महीने में यहाँ का माहौल खराब होता है। कर्नाटक की परेशानी यह है कि पानी तमिलनाडु को देता है तो फिर उसके यहाँ पीने और सिंचाई में परेशानी होगी। यही वजह है कि ये मुद्दा यहाँ लोगों के जज्बात से जुड़ा हुआ है। कावेरी ट्रिब्यूनल की फाइनल रिपोर्ट पर 2013 में केंद्र सरकार ने मुहर लगाई थी लेकिन कर्नाटक फिर भी राजी नहीं हुआ। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया और अब फैसला तमिलनाडु के हक में आया। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कर्नाटक को कावेरी नदी से 12,000 क्यूसेक पानी हर रोज 20 सितंबर तक छोड़ना होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कावेरी सुपरवाइजरी कमेटी के पास कोई हल नहीं है। असल में इसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये दोनों राज्यों के आंकड़ों पर निर्भर है। कावेरी में कितना पानी है इसको लेकर दोनों राज्यों के अपने अपने आंकड़े हैं, जिसके चलते कल हुई बैठक में पानी के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। अब 19 सितंबर को एक और बैठक होगी। तो जिस कावेरी नदी को लेकर इतना हंगामा हो रहा है उसका इतिहास क्या है, मान्यता क्या है, ये भी समझिए। उत्तर भारत में गंगा का जो स्थान है वही दक्षिण भारत के चार राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कावेरी नदी का है। सीनियर जर्नलिस्ट राधिका हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। राधिका जी, वाकई ये मामला इस बार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये कहें कि दरअसल पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और वहां के लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर आप इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कह सकती हूँ कि जो राजनीतिक नेतृत्व है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो एकदम विफल हो गया है इस मौके पे, एकदम जो कहते हैं लेट डाउन हो गया है। चाहे आप कांग्रेस रूलिंग पार्टी का लीजिए या बीजेपी का लीजिए या जनता दल सेक्युलर, मुख्य तौर पे यही हैं तीन पार्टियां, कोई भी आगे नहीं आया। आज तक आपने देखा होगा पूरा शहर जल रहा है, दो दिन से कोई एक लीडर को छोड़िए एक कॉरपोरेटर बाहर नहीं निकले कि ये समझे कि क्या है सेंटिमेंट, क्या है लोगों के बीच में, क्यों भावनाएं इतनी भड़क रही हैं। इस बार मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल फेल हो गया है। पिछले मौके पे भी जब भी सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आती थी, ये काफी आपने जैसे कहा ये बहुत इसकी लंबी इतिहास है, जब भी होता था तो इमोशंस हमेशा थोड़े ऊपर के तौर पे जाते थे, लेकिन हम देखते थे कि पॉलिटिकल लीडरशिप थोड़ा आगे आती थी और संभलती थी, तो सिचुएशन कुछ हद तक संभल जाता था। मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह, लेकिन कुछ हद तक। इस बार जो पॉलिटिकल क्लास है वो बिल्कुल इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है कहाँ। कॉरपोरेशन जो है वो मेयर कांग्रेस का है, बीजेपी का मेजोरिटी है कॉरपोरेशन में, कहाँ है लोग, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक तरह से जो पॉलिटिकल क्लास है उसका बड़ा विफलता है इस मौके पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी अपनी राय और अपनी बातें रखने के लिए।